देखो जी, ये है पाकिस्तान वाला नमक, लाल है लोहरी नमक। अच्छा, ये बोलते हैं लोहरी नमक है। हाँ, जो इसको लोहरी नमक बोलते हैं। अच्छा, सेंधा नमक। सेंधा नमक ये लोहरी है। अच्छा ठीक है, ये कौन कौन से काम में इस्तेमाल होता है ये जैसे बीपी है, हार्ट अटैक है, उसमें बहुत कामयाब रहता होता है। अच्छा। जोड़ों का दर्द है। अच्छा हाँ, बहुत सारी कामयाबी है इसका। देखो जी, ये बगैर पिसा नमक है। अच्छा, ये मटका वाला नमक होता है, जो बढ़िया क्वालिटी होती है इसकी। अच्छा अच्छा, काले नमक की। हाँ, मटके में इसको पकाया जाता है। मटके में इसको पकाया जाता है जी। ये काला नमक है जी। अच्छा, और ये सिंधा नमक है। अच्छा, और ये मुल्तानी मिट्टी है जी। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी है। हाँ, एक ये दही लस्सी का मसाला बहुत बढ़िया है जी। अच्छा जी, हमारे जी। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं करनाल में NDRI के सामने, और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेंधा नमक और काले नमक की गाड़ी है। एक किसान भाई हैं जो कि ये बेचते हैं। इनके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सेंधा नमक, लोहरी नमक, साबुत नमक, फिटकरी, मुल्तानी मिट्टी। तो दोस्तों, एक अच्छा स्वरोजगार इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इनकी चलती फिरती यहाँ पर गाड़ी है दोस्तों। ये करनाल में दोस्तों NDRI ITI चौक के पास में इनकी दुकान लगती है। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, आइए बात करता हूँ। भाई साहब नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। रमेश कुमार जी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले भाई साहब? अलेवा गांव, जिला जींद। अच्छा, जींद के रहने वाले। हाँ जी। क्या क्या बेच रहे हैं जी? हम सिंधा नमक बेच रहे हैं जी, काला नमक, फटकरी। अच्छा। दही लस्सी का मसाला, मुल्तानी मिट्टी। अच्छा हाँ, ठीक है। ये सारा कहाँ से लेकर आते हैं? हम टोआना से, कैथल से लेके आते हैं जी। अच्छा ठीक है, और आता कहाँ से ये सारी चीजें? ये ईरान, इराक से आता है जी, पाकिस्तान से आता है। अच्छा, तो आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों? हाँ जी, जरूर दिखाएंगे। देखो जी, ये है पाकिस्तान वाला नमक, लाल है लोहरी नमक। अच्छा, ये बोलते हैं लोहरी नमक है। हाँ, जो इसको लोहरी नमक बोलते हैं। अच्छा, सेंधा नमक। सेंधा नमक ये लोहरी है। अच्छा ठीक है, ये कौन कौन से काम में इस्तेमाल होता है ये जैसे बीपी है, हार्ट अटैक है, उसमें बहुत कामयाब रहता होता है। अच्छा। जोड़ों का दर्द है। अच्छा हाँ, बहुत सारी कामयाबी है इसके। अच्छा, इसको खाने से बीपी वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं जी, ये प्राकृतिक होता है। अच्छा, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। अच्छा, अपने आप पिसवा के लाते हैं दोरा खड़े होकर। अच्छा, और अपने आप पैकिंग करके बेचते हैं जी हम। अच्छा, ये पैकिंग क्या क्या पैकिंग में अवेलेबल है ये जी? काला नमक है जी, सिंधा नमक है पैकिंग में, मुल्तानी। अच्छा। मिट्टी है, ये काला नमक है जी। अच्छा, और ये सिंधा नमक है। अच्छा, और ये मुल्तानी मिट्टी है जी। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी है। हाँ, एक ये दही लस्सी का मसाला बहुत बढ़िया है जी। अच्छा जी। अच्छा, हमारे लाला जी ने बनाया है ये। अच्छा, आप इसको खुद ही तैयार करवाते हो? नहीं जी, लाला जी से जहाँ से नमक ले आते हो वो तैयार करते हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब इसका रेट भी बता दीजिए अंकल। इसका रेट सेंधा नमक का क्या रेट है? ये तो 35 रुपए है जी। अच्छा, और कम ज्यादा भी हो जाता है, ऐसे नहीं कि जमा एक ही रेट है। अच्छा, साबुत 35 रुपए किलो है। हाँ जी। अच्छा, ये बहुत सारे लोग घरों में और ऑफिस में भी ले जाके रखते हैं। हाँ, शुभ काम के लिए रखते हैं। अच्छा। इससे बुरी नजर से, उससे बचाता है। अच्छा, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर भेज देता है। हाँ, फिर जिसको गौशाला में देना होता है। अच्छा, गौशाला में इस्तेमाल होता है। हाँ, गौशाला में दे दो, महीना दो महीना रख के। अच्छा, हाँ, ये पाकिस्तान वाला नमक है, ये है 50 रुपए किलो जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये लोहरी नमक है, लाल मिलेगा ये बिल्कुल। ठीक है ठीक है। और ये मुल्तानी मिट्टी क्या रेट बेच रहे हैं अंकल? ये तो 20-30 रुपए किलो बिकती है जिले। अच्छा ठीक है, और क्या क्या है आपके पास में? बस ये सिंधा नमक, ये ईरान इराक वाला नमक है ये। अच्छा ठीक है। हाँ, ये फिटकरी है जी। अच्छा, ये फिटकरी है। ये फिटकरी है। हाँ जी। ये किस किस काम में काम आती है जी? ये तो कई जगह नजर मर और कई जगह कामयाब होती है जी। अच्छा हाँ ठीक है, कहीं कट जाए, जल जाए, छिल जाए, वहाँ पे भी लगाते हैं? हाँ जी, जैसे गुम चोट लग जाती है उसको सेकने में कामयाब होती है। अच्छा ठीक है, इसको उससे ठीक है। और ये आपने रायता का नमक बना रखा है? हाँ, रायता, दही मसाला। अच्छा, सलाद में भी डाल सकते हैं, नींबू पानी में भी डाल सकते हैं। क्या रेट इसका क्या है जी? इसका 20 रुपए है जी। अच्छा, 20 रुपए का पैकेट। हाँ, 100 ग्राम की है ये पैकिंग। अच्छा ठीक है। और ये पिसा हुआ काला नमक क्या रेट है अंकल जी? ये 40 रुपए का है जी, आधा किलो का। अच्छा, आधा किलो, 80 रुपए किलो है। हाँ जी, बगैर पिसा 70 रुपए किलो है जी। ठीक है ठीक है, बगैर पिसा भी दिखाते हैं हम आपको जी। अच्छा, देखो जी, ये बगैर पिसा नमक है। अच्छा,
ये मटका वाला नमक होता है जो बढ़िया क्वालिटी होती है इसकी। अच्छा अच्छा, काले नमक की हानि। मटके में इसको पकाया जाता है? हाँ, मटके में इसको पकाया जाता है जी। तो आप खुद पकाते हो या कहीं नहीं से जी, पका हो? पका लेते हैं हम तो जी इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से लगा रहे हो अंकल यहाँ पे दुकान? 2 साल से लगा रहे हैं जी। ठीक है, 2.5 साल से। तो यहाँ पे बिक जाता है, प्रॉफिट हो जाता है? ठीक हो जाता है जी, दाल रोटी निकल जाती है, ज्यादा तो नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ काम बढ़िया है जी। तो यहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा है, मतलब लोग खरीदते हैं? हाँ, खूब सारे के लोग आते जाते, लोग खूब खरीदते हैं जी। आजकल लोग टाटा का नमक ज्यादा वो छोड़ने लग गए हैं जी खाने के। अच्छा, हाँ ये खाई से ज्यादा इस्तेमाल कर, ये सेहत के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है जी, 100 बीमारियों से बचाता है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर और पता भी बता दो कोई लेना चाहता है तो। मेरा नंबर है जी रमेश कुमार, गाँव अलेवा, जिला जींद। अच्छा, फोन नंबर है जी 98-121-86-492। राइट, और अभी दुकान कहाँ पे लगाते हो आप जी? यही लगाते हैं जी, रात को चले जाते हैं मंडी में। अच्छा, हाँ अनाज मंडी में। ठीक है ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इनके इस पूरे ट्रॉली में आपको नमक ही नमक मिलेंगे। इसमें सेंधा नमक है, काला नमक है, साबुत नमक है। इसके अलावा इन्होंने अपना सलाद का और लस्सी का मसाला भी तैयार कर रखा है। पिसे हुए भी नमक हैं, मुल्तानी मिट्टी है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और किसान हैं दोस्तों, गांव से बिलोंग करते हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ अंकल, क्या कहना चाहते हो? पशुओं के लिए भी बहुत बढ़िया होता है जी ये। अच्छा, सिंधा नमक ये 35 रुपए किलो है जी, पिसा हुआ 50। डिजिटल पेमेंट का भी वो तरीका लगा रखा है, बहुत सारे लोग हैं जो इनको डिजिटल पेमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो भाजी बढ़िया काम धंधा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है जी, बढ़िया है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। भाजी आपका नंबर भी डाल दूंगा, जो लोग लेना चाहते होंगे आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी।